क्या प्यार है, क्या मिलन है, लेकिन इन्हें क्या पता ये मिलन ही इनकी जिंदगी के मायने बदलने वाला है। और अजीब बात ये है, ये दोनों बेखबर है। जी लेने दो उन्हें ये हसीन लम्हे, आखिरी हसीन लम्हे। अभी हमारे घर के फोन पर आपकी आपकी चचेरी बहन का फोन आया था। वो बता रही थी कि आपकी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपसे मिलना चाह रही है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी खुद वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं आपका सामान पैक करके लाती हूँ। ये ले बेटा, ये पैसे रख और जल्दी घर पहुँच जा। ऐसे वक्त में माँ को हमेशा बच्चे ही याद आते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही गौरी के घर पर फोन किया माँ की झूठी बीमारी का? देखती हूँ। भैया ये रख लीजिए। सॉरी। सुनिए, कोई है क्या? क्या हुआ बेटी, इतनी रात को मेरे घर में क्यों घुस आई? वो मैंने अपने पति को इसी तरफ आते हुए देखा। आपने किसी को यहाँ आते हुए देखा है क्या? नहीं, मैं तो आराम कर रही थी। ठीक है पद्माचा जी, तो मैं चलती हूँ। ये यहाँ से गायब कहाँ हो सकते हैं? मैंने तो उन्हें इसी तरफ आते हुए देखा। कहीं कहीं पद्मा चाची झूठ तो नहीं बोल रही? आपके पति आपसे रोज मिलने आते रहेंगे, पर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। क्या हुआ बेटा? माँ यहाँ एक औरत जख्मी पड़ी हुई है। ये पता नहीं, चलिए जल्दी रखिए। आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं था, पर मेरी खुशी की सिर्फ एक वजह है तू। आज जिंदगी ने फिर से एक बार मुझे सच्चे प्यार का एहसास दिलाया है। इस वक्त मैं तेरे पास नहीं हूं, पर फिक्र मत कर, एक छोटा सा काम निपटा कर तुझे घर पे मिलता हूं। जानता था तू पेज जरूर पलटेगी, इसलिए लिखा है। एक जोग है सा जिसको समझ न पाए लो, कहे उसे संज